हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी एंट्री की स्टडी में। आज मैं आपको बताऊंगी सब्जियों के वैज्ञानिक नाम। सब्जियों के वैज्ञानिक नाम मैंने इसमें जितने भी लिए हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि यदि आपने ये पूरी वीडियो आगे से लेके पीछे तक एंड तक पूरी वीडियो यदि आप देखोगे तो आपको जितनी भी सब्जियों के वैज्ञानिक नाम मैंने इसमें लिए हैं वो पक्के याद हो जाएंगे। यदि आपने इसकी दो वीडियो पिछली नहीं देखी तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी और आई बटन पर भी आपको मिल जाएगा, तो आप उनको देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इन सब्जियों के नामों को। मैंने ट्रिक से भी याद करना सिखाया है और रिपीट मोड में भी आपको याद करना सिखाया है। तो चलिए देखते हैं सलजम। सलजम का वैज्ञानिक नाम ब्रसिका रापा। सलजम का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रसिका रापा। तो इसे कैसे याद किया है? इसे याद किया है, सलजम का ले लिया है सा और रा से ले लिया है रा, तो रा सारा एक नाम ले लिया सारा, तो सा से हो गया सलजम, रा से हो गया ब्रसिका रापा। आगे देखते हैं, आगे शकरकंद। शकरकंद का वैज्ञानिक नाम है आइपोमिया बटाटास। शकरकंद का वैज्ञानिक नाम क्या है? आइपोमिया बटाटास। तो इसे कैसे याद किया है? इसे याद किया, शकर से ले लिया हमने शक्कर और बटाटास से ले लिया बाटना। शकरकंद से ले लिया शक्कर, बटाटास से ले लिया बाटना। तो इसे कैसे याद किया? जब किसी के यहाँ पे कोई भी खुशी का माहौल होता है या खुशी की बात होती है तो वो क्या बांटते हैं? शक्कर बांटते हैं, मतलब मिठाई बांटते हैं। मिठाई में क्या होता है? शक्कर होता है। तो इस प्रकार से आप इसे लिंक करके याद रख सकते हो कि शकरकंद का वैज्ञानिक नाम आइपोमिया बटाटास है। आगे देखते हैं, आगे आलू। आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है। तो इसे कैसे याद किया? इसे याद किया, देखिए आलू, जब आलू को हम उबालते हैं तो आलू कैसा हो जाता है? नम हो जाता है, नरम हो जाता है। और आपको याद हो, यदि आपने पिछली वीडियो देखी हो तो एक और मैंने ऐसी ट्रिक बनाई थी तो उसका भी नाम था सोलेनम मेलेजिना। तो ये किसका वैज्ञानिक नाम था? ये नाम था बैगन का। तो उसके पीछे भी नम आ रहा था, तो बैगन को भी, जब हम बैगन को भूनते हैं तो बैगन भी क्या हो जाता है? नम हो जाता है। तो दोनों की ट्रिक कैसी है? सम है, एक जैसी है। तो आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम। आगे है अरवी। अरवी का वैज्ञानिक नाम है कोलोकेशिया एस्कुलेटा। क्या है? कोलोकेशिया एस्कुलेटा। तो इसे कैसे याद किया है? क्या आपने कभी अरवी और लौकी की सब्जी खाई है एक साथ मिक्स करके? नहीं, क्योंकि अरवी और लौकी की सब्जी एक साथ मिक्स करके नहीं बनाई जाती, अलग अलग ही बनाई जाती है। तो इसमें आ रहा है लौके और लौकी। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो कि अरवी, अरवी का वैज्ञानिक नाम कोलोकेशिया एस्कुलेटा। आगे देखते हैं, आगे मेथी। मेथी का वैज्ञानिक नाम टाइगोनेला फॉइन मग्रिकम। टाइगोनेला फॉइन मग्रिकम। देखिए मेथी जो होती है, तो मेथी हरी साग सब्जियों में आती है, तो हरी सब्जी को बच्चे बहुत कम खाना पसंद करते हैं। बच्चे क्या खाना पसंद करते हैं? बहुत कम खाना पसंद करते हैं। तो मेथी, मेथी का वैज्ञानिक नाम टाइगोनेला फॉइन मग्रिकम। आगे देखते हैं, आगे है, आगे बथुआ। बथुआ का वैज्ञानिक नाम है चिनोपोडियम एल्बम। चिनोपोडियम एल्बम। तो इसे कैसे याद किया? ऐसे याद किया है कि बथुआ खाने में बम जैसा लगता है। कैसा लगता है? बम जैसा लगता है। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हो। आगे है ग्वारफली। ग्वारफली का वैज्ञानिक नाम है साइमोमसिस टेटागोलोनोवा। साइमोमसिस टेटागोलोनोवा। तो देखिए, इसको ग्वारफली की मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई है, तो इसे मैं आपको ऐसे ही रिपीट करके याद करना सिखा दूंगी। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए आगे इसके मिलान है, तो आप मिलान को पहले पॉज करके वीडियो खुद से करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप मेरे जो आंसर है उसे देखना। तो देखिए, चलिए अब मैं कराती हूँ। सलजम। सलजम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सलजम हमने याद किया था सारा, तो जिसमें रापा आ रहा हो वही सलजम का वैज्ञानिक नाम हो गया। तो देखिए ब्रैसिका रापा, ये सलजम का वैज्ञानिक नाम हो गया। आगे देखते हैं शकरकंद। शकरकंद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए शक्कर बाटना तो बटाटास, तो आइपोमिया बटाटास ये शकरकंद का वैज्ञानिक नाम हो गया। बथुआ, बथुआ खाने में कैसा लगता है? बम जैसा लगता है। तो चिनोपोडियम एल्बम यह बथुआ का वैज्ञानिक नाम हो गया। आगे ग्वारफली। ग्वारफली का वैज्ञानिक नाम साइमोप्सिस टेटागोलोनोवा हो गया, ये चौथा। आगे है आलू। तो आलू को जब उबालते हैं तो आलू कैसा हो जाता है? नम हो जाता है। तो आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है। और बैगन का भी वैज्ञानिक नाम क्या है? सोलेनम मेलेजिना है, क्योंकि बैगन को भी जब हम उबालते हैं तो बैगन जब बैगन को हम भूनते हैं तो बैगन कैसा हो जाता है? नम हो जाता है। दोनों की ठीक एक जैसी, इसलिए मैंने दोनों को आपको बता दिया है। अब देखते हैं अरवी। अरवी का वैज्ञानिक नाम क्या है? अरवी का वैज्ञानिक नाम है कोलोकेशिया एस्कुलेटा। देखिए ये है कोलोकेशिया एस्कुलेटा। तो इसे कैसे याद किया था?
इसे आपको याद होगा कि देखिए अरवी और लौकी की सब्जी मिक्स करके नहीं बनाई जाती है। चलते हैं आगे, आगे है मेथी। तो मेथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेथी का वैज्ञानिक नाम है, मेथी को बच्चे बहुत कम खाना पसंद करते हैं, तो टाइगोनेला फॉइन मैग्रिकम। इस प्रकार से आगे देखते हैं, आगे है ऑप्शन। इनके जो ऑप्शन है उसको आप पहले खुद से करने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं बताती हूँ ग्वारफली का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो हमें देखना है क्या है ग्वारफली का वैज्ञानिक नाम। देखिए पहला ऑप्शन है चिनोपोडियम एल्बम, क्या ये ग्वारफली का वैज्ञानिक नाम है? तो इसमें आ रहा है बम, तो ये किसका है? बथुआ। बथुए खाने में कैसा लगता है? बम जैसा लगता है, तो ये बथुए का वैज्ञानिक नाम हो गया। आगे है साइमोप्सिस टेटा गोलोनोवा, तो ये ही इसका आंसर है। और सी ऑप्शन पर है टाइगोनेला फॉइन मैग्रिकम, तो इसमें आ रहा है कम। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको बच्चे बहुत कम खाना पसंद करते हैं? तो हरी साग सब्जी, और हरी साग सब्जी में आता है मेथी, तो मेथी का हो गया टाइगोनेला फॉइन मैग्रिकम। आगे कोलोकेसिया एस्कुलेटा, तो देखिए इसमें आ रहा है लौकी। लौकी और अरवी की सब्जी एक साथ नहीं बनाते, तो कोलोकेसिया एस्कुलेटा अरवी का वैज्ञानिक नाम हो गया। सोलेनम ट्यूबरोसम, ये किसका वैज्ञानिक नाम है? इसमें आ रहा है नम, तो ये हो गया आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम। तो देखिए सोलेनम ट्यूबरोसम आलू का वैज्ञानिक नाम है। और ऐसा ही ट्रिक बनाई थी मैंने बैगन की, तो बैगन की यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पिछली वीडियो जरूर देख के आइए। तो देखिए बैगन का भी वैज्ञानिक नाम मैंने ऐसे याद करना सिखाया था, बैगन का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम मेलेजिना। अब चलते हैं आगे, आगे है अरवी का वैज्ञानिक नाम क्या है, अरवी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखते हैं ऑप्शनों को देखते हैं। तो देखिए आइपोमिया बटाटास, तो आइपोमिया बटाटास किसका वैज्ञानिक नाम है? तो किसको बांटते हैं हम जब कोई खुशी होती है? तो हम शक्कर बांटते हैं, तो शक्कर से रिलेटेड कौन सा सब्जी का नाम स्टार्ट होता है? शकरकंद। शकरकंद और शक्कर, शकरकंद और शक्कर, तो शकरकंद का वैज्ञानिक नाम हो गया आइपोमिया बटाटास, आइपोमिया बटाटास। अब है साइमोप्सिस टेटागोलोनोवा, तो ये किसका हो गया? ये हो गया ग्वारफली का वैज्ञानिक नाम। आगे है टाइगोनेला फॉइन मैग्रिकम, टाइगोनेला फॉइन मैग्रिकम, तो इसमें आ रहा है कम। तो किस चीज़ को बच्चे बहुत कम खाना पसंद करते हैं? हरी साग सब्जियों में, तो ये हो गया। किसको खाना पसंद, कम खाना पसंद करते हैं? मेथी को, तो मेथी का वैज्ञानिक नाम टाइगोनेला फॉइन मैग्रिकम। आगे है कोलोकेसिया एस्कुलेटा, कोलोकेसिया एस्कुलेटा, इसमें आ रहा है लौकी। तो अरवी की सब्जी के साथ लौकी की सब्जी मिक्स करके नहीं बनाई जाती, लौकी और अरवी को मिक्स करके सब्जी नहीं बनाते हैं, तो कोलोकेसिया एस्कुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम हो गया, अरवी का वैज्ञानिक नाम हो गया। तो यही इसका आंसर हो गया डी। ई पर है सोलेनम ट्यूबरोसम, तो देखिए इसमें आ रहा है नम, इसमें क्या आ रहा है? नम, तो ये कौन सी सब्जी है जैसे उबालने पर वह नम हो जाती है, नरम हो जाती है? तो वह आलू, तो आलू का वैज्ञानिक नाम भी सोलेनम ट्यूबरोसम है। और बैगन का वैज्ञानिक नाम भी ऐसे ही मैंने याद करना सिखाया था, सोलेनम मेलेजिना है। आगे देखते हैं, तो इसका आंसर हो गया अरबी का वैज्ञानिक नाम कोलोकेसिया एस्कुलेटा, डी इसका आंसर हो गया। चलते हैं आगे, आगे है आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो देखिए आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पहले ऑप्शन पर है आइपोमिया बटाटास, तो आइपोमिया बटाटास किसका वैज्ञानिक नाम है? शकरकंद का, शक्कर बांटते हैं, तो इस प्रकार से याद कराया था। साइमोप्सिस टेटा गोलोनोवा, ये किसका वैज्ञानिक नाम है? ग्वारफली का वैज्ञानिक नाम है। ब्रसिका रापा, तो सारा नाम से याद किया था, सारा तो सा से हो गया सलजम और आ से हो गया रापा, तो ये किसका वैज्ञानिक नाम है? सलजम का वैज्ञानिक नाम है ब्रसिका रापा। अब चलते हैं चौथे ऑप्शन पर, चौथा ऑप्शन है कोलोकेसिया एस्कुलेटा, तो इसमें आ रहा है लौकी। तो लौकी की सब्जी के साथ लौके और लौकी, तो लौकी की सब्जी के साथ अरवी और लौकी, दोनों की जो सब्जी होती है उनको मिला के नहीं बनाते, तो कोलोकेसिया एस्कुलेटा अरवी का वैज्ञानिक नाम हो गया। आ गया सोलेनम ट्यूबरोसम, ये यही आलू का वैज्ञानिक नाम है, क्योंकि आलू को उबालते हैं तो आलू नम हो जाता है। और ऐसे ही इस जैसी ट्रिक किसकी है? बैगन की है, बैगन को, बैगन का भी ऐसी ट्रिक है, तो बैगन का वैज्ञानिक नाम भी सोलेनम मेलेजिना है, ये भी आप याद रखिएगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं शुरू से ही आपको बताती आ रही हूँ। आगे देखते हैं, देखिए आगे है बैगन का वैज्ञानिक नाम क्या है। यदि आपने पिछली वीडियो देखी होंगी तो आप इन ऑप्शंस को जरूर से, मतलब इन क्वेश्चंस को जरूर हल कर पाओगे। देखिए बैगन का वैज्ञानिक नाम क्या है, जैसा कि मैं आपको शुरू से बता रही हूँ कि बैगन का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम मेलेजिना, नम हो जाता है। अब देखते हैं ऑप्शन की ओर, देखते हैं ऑप्शन में, पहले ऑप्शन पर है एलियम सेराइवन, एलियम सेराइवन, तो इसमें आ रहा है वन, तो किसके वन होते हैं? लहसुन के वन, इस प्रकार से मैंने याद कराया था।
तो ये लहसुन का वैज्ञानिक नाम हो गया। डॉकस कैरोटा, तो इस कैरेट और कैरोटा, कैरेट किसको बोलते हैं इंग्लिश में, गाजर को, तो गाजर का वैज्ञानिक नाम हो गया। आगे रेफिनस सेराइवस, तो देखिए रेफिनस सेराइवस तो फैन, किसके फैन होते हैं, मूली के फैन होते हैं, मूली को अच्छी भी खा जाते हैं, तो इस प्रकार से मैंने आपको याद कराया था। यदि आपको डिटेल में वीडियो देखनी है तो आप पिछली वीडियो देख कर आइए, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को पूरा हल कर पाओ। तो इसका आंसर हो गया सी, सोलेनम मेलेजिना। चलते हैं आगे, आगे देखते हैं, आगे है मूली का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो देखिए एवर मास्कस एस्कुलेट्स, तो देखिए ये किसका वैज्ञानिक नाम है, ये वैज्ञानिक नाम है, मास्क नहीं पहनती कौन, भिंडी, इस प्रकार से याद कराया था। तो एवर मास्कस मास्कस एस्कुलेट्स भिंडी का वैज्ञानिक नाम है। रेफिनस सेराइवस किसका वैज्ञानिक नाम है, फैन, मूली का वैज्ञानिक नाम, यही इसका आंसर हो गया। सोलेनम मेलेजिना किसका वैज्ञानिक नाम है, बैगन का वैज्ञानिक नाम है, नम हो जाता है बैगन जब भूनते हैं। तो एलियम सेराइवम किसका वैज्ञानिक नाम है, बन, तो ये लहसुन के बन, तो ये लहसुन का वैज्ञानिक नाम है, इसका आंसर हो गया रेफिनस सेराइवस। आगे देखते हैं, आगे धनिया का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो देखिए लाइकोप्रेसिकन एस्कुलेटम, ये किसका वैज्ञानिक नाम है, ये वैज्ञानिक नाम है लाइक, किसको ज़्यादा लाइक करते हैं, टमाटर को ज़्यादा लाइक करते हैं खाने में, हर सब्जी में डाला जाता है, तो इस प्रकार से लाइकोप्रेसी एक कॉन एस्कुलेटम है। जिस जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और जो पिछली वीडियो को नहीं देख के आए हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप पिछली वीडियो को देखिए, जब आप इनके ऑप्शन को हल कीजिएगा तो आप पर ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली अपने आप ही हल हो जाएंगे। और जो पिछली वीडियो देख के आए हैं तो उनको उनके अपने आप ही ये वीडियो, मतलब जितने भी ये क्वेश्चन हैं, अपने आप ही हल हो रहे होंगे। चलिए देखते हैं ब्रसिका ओलेरेसिया, तो ब्रसिका किसका ब्रासलेट पहनते हैं हम, ब्रसिका हो गया फूल गोभी का, फूल गोभी का ब्रासलेट, इस प्रकार से याद कराया था। फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम हो गया कोरिएंडम सटिवम, तो ये कोरिएंडर और कोरिएंडम, तो ये धनिया का वैज्ञानिक नाम कोरिएंडम सटिवम हो गया। आगे जिंजीवर ऑफिसिनेट, तो जिंजीवर जिंजर, तो जिंजर बोलते हैं अदरक को, तो अदरक किस में डालते हैं, अदरक चाय में डालते हैं और ऑफिसों में ज़्यादा पी जाती है, तो इस प्रकार से मैंने याद कराया था। तो जिंजीवर ऑफिसिनेट किसका वैज्ञानिक नाम है, अदरक का वैज्ञानिक नाम है। आगे देखते हैं, आगे टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो देखिए ब्रसिका ओलेरेसिया, तो ब्रसिका ब्रासलेट किसका, फूलगोभी का वैज्ञानिक नाम है। लाइक को किसको लाइक करते हैं, टमाटर को, तो टमाटर का नाम है ये लाइकोप्रेसिकन एस्कुलेटम। स्पिनिया ओलेरासाई है, तो स्पिनिया ओलेरासाई रसोईया में सबसे ज़्यादा यूज होता है पालक, तो ये पालक का वैज्ञानिक नाम है। कोरिएंडम सटिवम किसका वैज्ञानिक नाम है, कोरिएंडर, तो ये धनिया का वैज्ञानिक नाम हो गया। चलते हैं आगे, आगे है पालक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो देखिए पालक का वैज्ञानिक नाम हो गया स्पिनिया ओलेरासाई, रसोईया में यूज होता है, तो यही इसका पहला ही इसका आंसर सही हो गया। कोरिएंडम सटिवम धनिया का, कोरिएंडर और कोरिएंडम, तो धनिया का वैज्ञानिक नाम है ये। जिंजीवर ऑफिसिनेल जिंजर, ऑफिसों में चाय ज़्यादा पी जाती है, तो ये किसका वैज्ञानिक नाम हो गया, अदरक का वैज्ञानिक नाम हो गया। ब्रसिका ओलेरेसिया ब्रसिका ब्रासलेट, तो ये फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम हो गया। तो इस प्रकार से मैंने आपको इसे इसका सारा का सारा रिविज़न कराया है, पिछली वीडियो का भी रिविज़न कराया है और इसमें भी मैंने आपको 6-7 आपको सब्जियों के वैज्ञानिक नाम याद करना सिखाया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग।